Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and safe at your homes. I'm teach you science of class 1, lesson number 16, region Unit 3, the Plant World. Topic Plants that help humans. Page number 26, 27. 28 and 29 students learning outcomes at the end of the lesson student will be able to learn that plants help humans in many ways plants play an important part in humans life We are going to read the lesson first. Plants that help humans. Plants help humans in many ways. For breathing. Plants make oxygen. Oxygen is a gas that we need to breathe. Jibacho. Plants, yani paude. मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों के काम आते हैं सांस लेने के लिए फॉर ब्रीदिंग यानी सांस लेने के लिए बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है ठीक है जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है ठीक तो है तो ये गैस कहाँ से हासिल होती है प्लांट्स से ठीक है पौधे ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है फॉर ईटिंग ह्यूमनस ईट प्लांट्स इट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू इमेजिन मील विदाउट प्लांट्स इन इट

तो वो पौधों के बग़ैर नामुमकिन है ठीक है हम जो दालें वग़ैरह खाते हैं चावल खाते हैं इसके अलावा रोटी खाते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं प्लांट्स से हासिल होती हैं और इसके अलावा वेजिटेबल्स फ्रूट्स तमाम पौधों से हासिल होते हैं इसी तरह आ, हम मीट वगैरह खाते हैं तो एनिमल्स जो हैं उनकी खुराक भी पौधों से हासिल होती है आपको पता है कि आ, एनिमल्स जो है वो घास और ग्रेन्स वग़ैरह खाते हैं और फिर हमारे लिए आ, एनिमल्स ख़ुराक बनाते हैं तो ये तमाम चीज़ें पौधों से हासिल होती हैं इसी तरह हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स, राइस ओके ये तमाम चीज़ें प्लांट से हासिल होती हैं तो तकरीबन टू थाउजेंड यानि दो हज़ार के करीब मुख्तलिफ किसान के पौधे हैं जो इंसान अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं ओके तो पौधों के बगैर हम हम अपने किसी भी खाने का तस्वर नहीं कर सकते फॉर बर्निंग ह्यूमन यूज प्लांट्स फॉर हीटिंग कट डाउन ट्रीज एंड बर्न वुड जलाने के लिए इंसान पौधों को हरारत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जब मौसम सर्द होता है ठीक है विंटर के मौसम में दरख्तों से लकड़ियां काट कर उनको जलाया जाता है और उनसे हरारत हासिल की जाती है इसी तरह हमारे जो मुख्त देहात हैं वहां पर भी लकड़ियां काट कर जलाई जाती हैं और उनके ऊपर खाना वगैरह बनाया जाता है तो पौधे जलाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं

पौधों से फॉर मेकिंग क्लॉथ फॉर मेकिंग मेकिंग क्लॉथ्स यानी कपड़ा बनाने के लिए बच्चों कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी मदद से कपड़ा बनाया जाता है जैसे कॉटन यानी कपास तो कपास के पौधे से रुई हासिल करके उसकी मदद से धागा बनाया जाता है और उस धागे की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है तो वो कपड़ा हम अपने आप को गर्म रखने के लिए या अपने आप को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लांट्स का एक और यूज है फॉर शेल्टर ह्यूमन यूज प्लांट्स फॉर शेल्टर ट्रीज आर यूज फॉर समल्टर यानी तहफ के लिए अपने आप को छुपाने के लिए ठीक है तो इंसान पौधों को शेल्टर के तौर पर भी यूज करते हैं दरख्तों का दरख्तों की जो लकड़ी है उस की मदद से दीवारें बनाई जाती हैं और जो घास वगैरह है उसकी मदद से छत तैयार की जाती है ठीक है तो इस तरह से प्लांट्स अक्सर जगहों पर घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं फॉर मेडिसन्स सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसंस दे कंटेन्स थिंग्स दैट मेक पीपल बेटर ओके तो कुछ पौधे हैं जो हैं वो हमारी मेडिसन्स यानी हमारी अद्वियात में भी इस्तेमाल होते हैं ठीक है मुख्तु किस्म की जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं ठीक है थीके? तो प्लांट्स हमारे लिए मेडिसन का काम भी करते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं फॉर मेकिंग पेपर डू यू नो दैट द पेपर इन दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री दैट्स राइट वुड पल्प इज मेड इन टू पेपर जी तो आपकी जो बुक्स हैं ये भी पौधों की मदद से बनाई जाती है जो आपकी किताबों के अंदर सफात है ये वुड पल्प यानि लकड़ी के गोदे से तैयार किए जाते हैं तो ये प्लांट्स का एक और बेटर यूज है तो आज के रिवीजन में हमने क्या क्या देखा कि प्लांट्स इंसानों की मुख्तलिफ तरीकों से मदद करते हैं ठीक है इंसान अपनी खुराक के लिए पौधों को इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा सांस लेने के लिए पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं लकड़ी जलाने के काम भी आती है और हमारे घर में स्कूल में ऑफिस में जो फर्नीचर है वो भी पौधों से लकड़ी जो हासिल होती है उसकी मदद से तैयार किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए भी कॉटन यूज़ किया जाता है जो पौधों से हासिल होता है इसके अलावा शेल्टर के तौर पर भी और मेडिसन्स के अंदर भी पौधों का इस्तेमाल होता है और एंड पे हमने जो यूज़ पढ़ा वो ये था कि पौधों का जो गा है लकड़ी का गा वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सो विदाउट प्लांट्स वी वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ वी वुड हैव नो फूड वी वुड बी कोल्ड वी वुड हैव नो वेयर टू लिव वी माइट बी सिक तो अगर हमारे आसपास पौधे नहीं होंगे तो जाहरी सी बात है फिर हम खुराक के बारे में भी नहीं सोच सकेंगे यानी ना हमारे पास फ्रूट्स होंगे ना ग्रेन्स होंगे ना वेजिटेबल्स होंगे ओके तो हम अपने किसी भी खाने का तस्वर पौधों के बगैर नहीं कर सकते इसके अलावा सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी पौधे तैयार करते हैं तो पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ओके और पौधे हमें मौसमों की तपिश से और सर्दी दोनों मौसमों में हमें महफूज रखते हैं और पौधों के बगैर अद्वियात भी बनाना मुश्किल काम है तो हम बीमार भी रह सकते हैं तो पौधों के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है ठीक है नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स Which gas is produced by plants? Answer is plants make oxygen to breathe. List five ways we use plants. Answer is we use plants for breathing, for eating, for burning, for shelter, and for medicines. Last question is.

बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है अगले सबक तक के लिए